हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो हमारी अब आरटीपी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास आता है लेबर कॉस्टिंग का मई 2019 आरटीपी का क्वेश्चन, जो हमें करना है नवंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए भी। ठीक, क्योंकि एक अटेम्प्ट पीछे का आरटीपी करना बहुत ज़रूरी है, उसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा चुका भी है और पूछा जा सकता है, तो एक अटेम्प्ट पीछे का ज़रूर करना है हमको। तो नवंबर 19 का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मई 19 का लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे आरटीपी का। अ कंपनी इज अनडिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ वेज स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कंपाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 वर्कर्स विच आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। 1, 2, and 3 एक्चुअल आज वर्क 380, 100, and 540। आर्ली रेट ऑफ वेजेस इज 40, 50, and 60। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्ट ए बी सी, उसके आज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो दिए हम लोगों को। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज फॉर एबीसी, ये प्रोडक्ट्स हैं, एबीसी इज द प्रोडक्ट, मिनट्स 15, 20, and 30। मिनट्स दिए, आवर्स नहीं दिए, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप लोग मिनट्स में और आवर्स में कंफ्यूज नहीं करना कि क्या दिए, गलती नहीं करनी यहां पे। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक इससे भी पहले कि जो इंसेंटिव स्कीम्स है अब हमारे पास, जो इंटरमीडिएट कोर्स है, जो न्यू कोर्स है, उसमें हमारे पास हाल से और रोवन को छोड़कर बाकी सारी इंसेंटिव स्कीम्स डिलीट हो चुकी हैं नवंबर 19 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। लेकिन जो ओल्ड कोर्स है, दैट इज ये आईपीसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सारी के सारी स्कीम जरूर करनी है। जो डिलीशन हुई है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी, दैट इज ओनली फॉर द न्यू कोर्स, ये इंटरमीडिएट कोर्स। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने क्या दिया। अब आपको हाल से और अच्छा उसने सच क्वेश्चन तो पढ़ लें क्या दिया। उसने कहा फॉर द पर्पज ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड एट ₹1। मतलब एक मिनट का ₹1 हम लोग उसे पे करेंगे। तो 15 मिनट के कितने दिए, ₹15, 20 मिनट के ₹20, 30 मिनट के ₹30। ठीक, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ ईच वर्कर अंडर द गारंटेड आर्ली रेट बेसिस। गारंटेड आर्ली रेट बेसिस क्या होगा, जितने घंटे काम किया इनटू आर्ली रेट ऑफ वेजेस, 380 × 40, 100 × 50, 540 × 60। कोई डाउट, बहुत ही सिंपल है, देख लो। वर्कर 1, 2, 3 एक्चुअल आवर्स वर्कड, आर्ली वेज रेट एंड वेजेस, सिंपल। सेकेंड उसने क्या कहा, सेकेंड उसने कहा द पीस वर्क अर्निंग बेसिस बट गारंटेड एट 75% ऑफ द बेसिक पे एंड गारंटेड आर्ली रेट इफ द अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे से क्या मतलब है, बेसिक पे से अगर घंटों के हिसाब से चलता तो कितना कमा लेता, दैट इज द बेसिक पे। ठीक है, तो अगर वो कहता है कि अगर 75% है बेसिक पे का, 75% से कम है, तो 75% इज द गारंटेड पे दैट वी आर गोइंग टू गिव। अगर 50% से नीचे आ जाता है तो गारंटेड आर्ली रेट तो हम उसे देंगे ही देंगे, जो आर्ली रेट ये निकाला है हम इतना तो उसे देंगे ही देंगे। मतलब इतना 15,200, 5,000, 32,400 तो हम लोग देंगे ही देंगे उसको। इससे अगर ऊपर है तो ठीक है, जितना बना वो दे देंगे। ठीक, तो पीस रेट के हिसाब से अब क्या है, प्रोडक्ट ए पीस रेट पर यूनिट इज 15, 20, and 30। पीस रेट कैसे आया, उसने कहा एक मिनट का ₹1, तो 15 मिनट के ₹15। तो उसने कितने यूनिट बनाए, 210 यूनिट बनाए, तो 210 × 15 इज द वेजेस। इसी तरह से वर्कर 2 की, वर्कर 3 की, तीनों प्रोडक्ट्स के लिए, तो टोटल वेजेस वर्कर 1 ने कितनी कमाई, वर्कर 2 ने कितनी कमाई और वर्कर 3 ने कितनी कमाई। अब देखो ये इससे ऊपर है, ठीक है, तो 50% की तो बात ही नहीं आई, 50% ऑफ बेसिक पे की तो बात ही नहीं आई ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना है उतना पे कर देंगे। सिंस ईच वर्कर अर्निंग्स आर मोर देन 50% ऑफ द बेसिक पे, देयरफॉर वर्कर 1, 2, 3 विल बी पेड द वेजेस एज कंप्यूटेड, दैट इज 24,150, 7,500, and 36,000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब तीसरी चीज उसने क्या मांगी है, तीसरा उसने मांगा है हमसे कि प्रीमियम बोनस बेसिस वे द वर्कर रिसीव्ड बोनस बेस्ड ऑन रोवन स्कीम। अब रोवन स्कीम के लिए आपको क्या चाहिए, रोवन स्कीम के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, कौन कौन सी, टाइम अलाउड कितना था, टाइम टेकन कितना है और टाइम सेव्ड कितना है। टाइम अलाउड इज द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट 15 मिनट। टाइम टेकन कितना है, 380, ये आवर्स में है और ये मिनट्स में आपको, तो अब इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ठीक, ध्यान रखना टाइम सेव्ड तो फिर आई जाएगा टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। ठीक, चलो जी देखते हैं किस तरह की है। अब उसने, चलो ये तो वर्किंग नोट पहले से रिलेटेड था, ये हो गया। टाइम अलाउड टू ईच वर्कर 210 यूनिट्स इंटू 15 मिनट्स 3150,
प्रोडक्ट बी के लिए 360 यूनिट्स इंटू 20 मिनट्स टोटल 7200 मिनट्स, दिस इज मिनट्स 460 यूनिट्स इंटू 30 मिनट्स ईच यूनिट तो 13800 मिनट आएगा। तो अब इसको अगर आवर्स में कैलकुलेट करना है तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 60 किया तो 402 आवर्स, राइट। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन इज टू बी डन। सिमिलरली फॉर द वर्कर टू, उसने प्रोडक्ट ए बनाया नहीं था, प्रोडक्ट बी बनाया नहीं था, प्रोडक्ट सी में 250 यूनिट्स इंटू 30 मिनट्स तो 7500 मिनट्स, अगर आवर्स में कन्वर्ट करें डिवाइडेड बाय 60 तो 125 आवर्स। ठीक ऐसे ही वर्कर थ्री के लिए प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय 60, दिस इज आवर्स, दिस इज मिनट्स। अब आपके पास क्या आ गया, टाइम अलाउड आ गया, कितने आवर्स दिए थे और टाइम टेकन कितना है। टाइम टेकन तो आपको दिया गया ना, टाइम टेकन तो कितने आवर्स दिए, 380 आवर्स, 100 आवर्स एंड 540 आवर्स, तो टाइम सेव्ड निकाल सकते हो। टाइम अलाउड कितना था, 402.5, टाइम टेकन कितना है, 380, टाइम सेव्ड इज 22.5, वेज रेट पर आवर 40, 50 एंड 60। अर्निंग्स कितनी हुई, अर्निंग्स मींस द बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कितनी है, टाइम टेकन इंटू वेज रेट, ठीक है, टाइम टेकन इज 3 into 5, ठीक है, 3, 5 का क्या मतलब है, दिस इज कॉलम 1, 2, 3, 4 and 5। तो अर्निंग्स कैसे आई, टाइम टेकन इंटू वेज रेट 3 into 5, क्लियर। बोनस कैसे कैलकुलेट किया, बोनस कैलकुलेट किया हम लोगों ने रोवन के हिसाब से, तो टाइम सेव्ड हमारे पास आ गया था, टाइम टेकन कितना है डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट, ठीक। तो टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी आपके पास, कोई डाउट, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड पॉइंट था थोड़ा सा जहां पर वो कंफ्यूज कर रहा था हम लोगों को कि गारंटी रेट 75% ऑफ द बेसिक पे, अगर 50 से नीचे चले, ये तो 50 से कहीं ऊपर जा रहा है जी, 50 से क्या 100 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। रोवन स्कीम में तीन चीजें चाहिए थी और उसकी कैलकुलेशन कैसे है, बस ये चीज ध्यान रखना कि यहां पर मिनट्स दिए हैं और यहां पर आपको आवर्स दिए हैं, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, यहां पर गलती नहीं करनी, बस इसकी कन्वर्जन किस तरह से करनी है वो ये जरूरी है कि एक यूनिट के लिए 15 मिनट तो जितने यूनिट्स बनाए टोटल मिनट्स कितने और उसको 60 से डिवाइड करके आवर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो है ये लेबर कॉस्टिंग का मई 2019 का क्वेश्चन भी हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओवरहेड्स का, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।